जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसके तहत कोचिंग जो प्रोवाइड करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इनके कहीं ना कहीं तीनों का मिलाकर फंडिंग होती है और कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंटली जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसे कि हम देख सकते इस साल का रिजल्ट अगर हम बात करें तो 42 टोटल सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन हुए हैं इस साल और क्वालिटी रिजल्ट है, जिसमें कि 7 IAS ऑफिसर सिलेक्ट हुए हैं, 7 IPS ऑफिसर सिलेक्ट हुए, एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर सिलेक्शन है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का कंसिस्टेंटली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है कि वो अपने कंसिस्टेंटली रिजल्ट यूपीएससी के लिए दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट जामिया मिलिया इस्लामिया का ये है कि आपको कंपटीशन क्या है रियल, इसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पर वो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में ही पता चलता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी उसकी ग्रेजुएशन अगर कोई स्टूडेंट्स किया है, कोई एस्पिरेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है कोई भी स्ट्रीम से, वो अप्लाई कर सकता है। सेकंड, माइनॉरिटी कैटेगरी SC ST और वुमन, जैसे इनको हम पूरे इसके इंडिया के वीकर सेक्शन में माने जाते हैं, इनके लिए खास करके ये कोचिंग है। यहाँ पे 150 सीट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अभी फिलहाल अवेलेबल है और जैसे कि अभी के उनके एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने वाले हैं उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो आप। JMI.AC.IN के वेबसाइट पे जाके आपको उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हो और 650 रुपीज आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की टेस्ट की फी होगी, आपको फिल ऑनलाइन ही करनी है। और जो टेस्ट का पैटर्न होता है उसमें रिटर्न टेस्ट होती है, 10 ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई उसका जामिया का सेंटर है, न्यू दिल्ली है, श्रीनगर है, अलीगढ़ है, ऐसे पूरे इंडिया में 10 वेरियस सेंटर हो गए। अब जब प्रिपरेशन की उसके एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन की बात की जाए तो जामिया में एडमिशन पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है। नियर अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से अपियर होते हैं और उसमें से 150 सिलेक्शन होता है। तो अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जामिया में एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट उसकी कंसिस्ट करता है पेपर 1, जो कि आपका रिटर्न टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग होती है। तो मैंने जैसे 1-2-3 स्ट्रैटेजी अपनाया था, आप यहाँ पे अपना सकते हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें सेकंड पार्ट होता है जो कि एसे वाला पार्ट होता है, जिसमें आपको 2 एसे लिखने होते हैं। तो आपका जनरल स्टडीज 1 का जो पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन हो गए, 60 मार्क्स होगा और 1 आवर का ड्यूरेशन होगा। 1 आवर के बाद में आपकी OMR शीट ले ली जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट 2 आवर्स की जो एग्जामिनेशन होगी वो एसे में होगी। इस एसे में आपको करंट रिलेटेड थीम्स पे एसे पूछे जाते हैं और ये ऐसे आपको सेक्शन A सेक्शन B 2 ऐसे लिखने हैं। आपको 2 आवर का ड्यूरेशन दिया जाएगा, इन सब बीच में आपको ऐसे लिखना है। तो जो यूपीएससी का प्रीलिम्स या तो यूपीएससी प्रिपरेशन स्टेज में है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ऐसे ही स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का एक मेजर इशू ये है कि इनकी एंट्रेंस टेस्ट काफ़ी रिगरस होती है और उसमें से जो सिलेक्शन होता है वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होता है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। और सेकंड, यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो कम्प्लीटली प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट होता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिजल्ट का एक ये भी क्वेश्चन ये है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद नोबा ने, सर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और जामिया को एडमिशन लेना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन में रहते वक्त अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन करना है तभी आप एलिजिबल होगे कि आप जामिया में एडमिशन कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर अपीयर हो ग्रेजुएशन में, आप एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं जाके फाइनल में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी ही वही है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब जब हम सिलेबस की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि जामिया मिलिया के इसके सिलेबस है क्या है। तो सिलेबस ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं दिया नहीं होता है, ये अंडरस्टूड चीज़ है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वही सिलेबस जामिया के एग्जामिनेशन का है। ओवरऑल जो एंट्रेंस टेस्ट है वो स्ट्रक्चर होता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में कैसे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं उसी पे बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। तो प्रॉपर यूपीएससी
के लिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस वैसे ही क्वेश्चन पैटर्न आपको जामिया में मिलेगा। मोहम्मद नूरान ने वापस से ये किया है कि आप अगर मैंने बताया आपको कि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप अपीयर हो सकते हो। अब जैसे टेस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन में 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और वन आवर का ड्यूरेशन होगा। पेपर टू में सेक्शन ए भी होगा, दो ऐसे लिखना होगा, दो आवर का है, सेलेक्टिव टाइप है और 60 मार्क्स के लिए होगा। तो आपके एंट्रेंस टेस्ट है वो 120 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स के लिए आपका इंटरव्यू होगा। जब आप पेपर वन पेपर टू जो एससी और जीएस का पेपर है उन दोनों के मार्क्स मिलाकर आपका एक मेरिट लगाया जाएगा, उस मेरिट के बेसिस पे जो कट ऑफ क्लियर है उन स्टूडेंट्स को दिल्ली में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और दिल्ली में इंटरव्यू होने के बाद में फाइनल जब सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू प्लस आपके जीएस वन जीएस टू के मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाती है और उस अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलता है। अब कोचिंग में जामिया में क्या प्रोवाइड होता है, एक तो आपको जीएस के लिए पूरा कोचिंग वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, उसी के साथ में सीसैट के लिए जो पेपर टू है प्रीलिम्स का यूपीएससी का उसको वहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस है उसके भी कोचिंग वहाँ पे मिलती है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, इसकी वहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। उसी के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो जामिया का बेनिफिट है आपको एडमिशन का वो ये है कि आपको वहाँ पे रिगरसली टेस्ट सीरीज आपके पास आपसे करवाई जाती है। फर्स्ट प्रीलिम्स के लिए आपके टेस्ट सीरीज की जाएगी, उसमें आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे करवाया जाता है। उसी के साथ में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स उनके लिए टेस्ट सीरीज होती है, कभी प्राइवेट कोचिंग की टेस्ट सीरीज वहाँ से करवाते हैं या तो खुद वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं या तो जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू लिख रहे हैं मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट आपके आंसर एनालाइज करते हैं। प्रॉपर जो आपको यूपीएससी के वे में जो गाइडेंस मिलेगा वो जो स्टूडेंट्स अपीयर है उनके इससे मिलता है, एनालाइज करके जो आपको वहाँ पे ये मिलता है उनकी तरफ से फीडबैक मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के स्टेज में। उसी के साथ में एससी की भी राइटिंग प्रैक्टिस होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं जामिया मिलिया की, तो 24/7 आपको दो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है वो विथ एसी फैसिलिटीज के साथ में। सेकंड आपको तीन डिफरेंट बिल्डिंग है। क्वेश्चन है सिराज जी का कि सर जामिया में उर्दू लिटरेचर पढ़ाया जाता है क्या, उर्दू लिटरेचर का ऑप्शनल कोचिंग वहाँ पे नहीं हो पाती है, बट आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उर्दू लिटरेचर से ऑप्शनल लेकर वहाँ से लिखते हैं, तो सीनियर है जिन्होंने मेंस लिखा है या तो नए स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से आपको गाइडेंस में हेल्प मिल जाती है। तो उर्दू लिटरेचर से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि लास्ट ईयर नू सिद्दीकी, शेख सलमान है, रौनक अंसारी है, इन लोगों ने उर्दू ऑप्शनल लेके वहाँ से अपना सिलेक्शन किया है तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिल जाएगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीन डिफरेंट बिल्डिंग है रहने के लिए स्टूडेंट्स के, दो बॉयज़ हॉस्टल्स है और एक गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है। और जब दिल्ली को किसी स्टूडेंट्स के लिए जाना है तो घर वालों के पेरेंट्स को एक क्वेश्चन होता है कि दिल्ली में सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, भीड़ है, ट्रैफिक है, बट जामिया का एनवायरनमेंट आपको इन सब चीज़ों से हटके है। जामिया में आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, गर्ल्स के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग है जहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। दिल्ली के जो एनवायरनमेंट है उसके काफ़ी हट के जामिया मिलिया इस्लामिया का एनवायरनमेंट है। आपको स्टडी के लिए पूरी तरीके से प्रॉपर जो एनवायरनमेंट चाहिए होगा वो जामिया मिलिया इस्लामिया में मिलेगा। उसी के साथ में मेंस का प्रिपरेशन के बाद में अगर इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते हो तो मॉक इंटरव्यू भी जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोवाइड करता है। और 20% स्टूडेंट जो मेरिटियस स्टूडेंट होते हैं होल ईयर में उनको 2000 पर मंथ की एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है वो भी मिनिस्ट्री के थ्रू, और टोटल 150 सीट्स है। और जैसे कि मैंने बात किया कि फीस की, फीस अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो आपको 0 रुपीज़ फी भरनी है, आपको जस्ट 2000 रुपीज़ कॉशन मनी एडमिशन के वक्त भरना है और उसी के साथ में पर मंथ के इस हिसाब से आपको मेस के 2500 रुपीज़ आपको पर हेड कॉस्ट आता है। तो आपको कोचिंग के लिए 1 रुपया भी फी नहीं लग रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। अब जामिया मिलिया इस्लामिया का जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिए क्या बेनिफिट्स है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, एक तो आप
देख सकते हो कि कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको जामिया में आ रहा है। सेकंड ये है कि आपको एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या तो पढ़ाई के लिए रिलेटेड एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको आप अगर घर में रह के आपकी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बाहर कंपटीशन क्या चल रहा है आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया में जाते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलते हैं, उनके साथ में आपको कम्पीट करने का मौका मिलता है और कॉम्पिटिशन की लेवल क्या है ऑल ओवर इंडिया की आपको वहाँ पर जामिया इस्लामिया में पता चल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है जैसे कि कोई किसी का उर्दू लिटरेचर ऑप्शनल है और उसको कोई इश्यूज में प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है क्या वो उर्दू लिटरेचर में आपको हेल्प कर दें या तो और भी बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं। तो ऐसा अल्टीमेटली ये होता है कि एक ऑप्शनल के 3-4 स्टूडेंट्स वहाँ पे कोई ना कोई होता ही है, तो जो भी प्रॉब्लम आता है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। और जबकि 150 सीट्स एंट्रेंस के लिए है, कुछ इंटरव्यू क्वालिफाई उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है वहाँ पे, तो अल्टीमेटली 200-250 कैंडिडेट्स आपके एक साथ में प्रिपरेशन कर रहे, उसमें आपको ग्रुप बनाकर आप स्टडी कर सकते हो। जैसे कि मेरा खुद का मैं बात करता हूँ तो मैं चार स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलकर हम पढ़ाई करते थे, हमारे आंसर राइटिंग करते थे और प्रीलिम्स के लिए हम पूरा जो कुछ भी प्रिपरेशन करते थे, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते थे, ग्रुप में स्टडी करते थे। आज माशाल्लाह चारों भी स्टूडेंट्स हम क्वालिफाइड है और चारों भी सिविल सर्विसेज में है, तो आपको ग्रुप स्टडी का काफ़ी बेनिफिट जामिया में मिलता है और रिगरसली आंसर राइटिंग होती है। मेंस के लिए जो खास करके मेन ये है वो आपको आंसर राइटिंग पे फोकस आपको प्रैक्टिस करनी होती है मेंस के लिए, वो आपको रिगरसली यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया में मिलेगी। उसी के साथ में आपको गाइडेंस भी मिलता है, क्या जो सीनियर्स है या तो जो प्रोफेसर्स वहाँ पे अवेलेबल है, आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है सिविल सर्विसेज में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। बाकी डायरेक्टर है वो एक्स चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं तमिलनाडु में, उसी के साथ में वो एक्स टेलीकॉम सेक्रेटरी रह चुके हैं, उसी के साथ में जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उनका काफ़ी ज़्यादा, तारिक सर जिनका काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस है यूपीएससी के रिलेटेड। क्वेश्चन आया है मोहम्मद नुमान का, सर अगर दिल्ली में कोचिंग करूं वजीराम में तो क्या मुझे कोचिंग के लिए बैंक से लोन मिल सकता है? कोचिंग के लिए मुझे नहीं लगता क्या बैंक से लोन मिलेगा आपको, बट अगर आप जामिया ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की अगर एंट्रेंस क्वालिफाई हो पाते हो तो वो मे बी आपको वजीराम में स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं।